44 कानून बदल के 4 कोड में ले आए हैं, और 4 कोड में उन्होंने बंदिश लगा दी है। मजदूर जो है, कर्मचारी जो है, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो आपस की लड़ाई है उसके अंदर फुटबॉल बना करके छोड़ दिया है। जब हम लड़ेंगे, तू करना है तो कर ले, तेरे को हम करने नहीं देंगे। आर इन डिफरेंट सेक्टर्स द स्ट्रगल्स आर माउंटिंग लाइक दैट। लोगों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन इस देश के गरीब वर्ग को, इस देश के मेहनत कश वर्ग को, इस देश के युवा पीढ़ी को दंगों के कारोबार में ढकेलने का एक पूरा मुहिम ये सरकार चला रही है। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद, अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप से एक महापड़ाव दिया है, और इसी तरह का महापड़ाव देश भर में अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालयों पर हो रहे हैं। और इस महापड़ाव में सबसे बड़ी मांग है जो श्रमिक विरोधी जो कानून पिछले 9 सालों में बनाए हैं, और श्रमिकों पर जिस तरह से हमले बढ़े हैं उसको रोका जाए, और श्रमिकों हितों में जो उनके अधिकार के लिए उस कानून को बनाया जाए। और इस दिल्ली में इस महापड़ाव में मौजूद केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेताओं से हमने बात की और समझने का प्रयास किया जो उनका यह आंदोलन में मुख्य मांगें क्या हैं, और देश में अभी श्रमिक वर्ग की क्या हालात हैं, और आगे उनका आंदोलन किस रूप में चलेगा। ये आज हमारा 9 अगस्त क्रांति दिवस पे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्लेटफॉर्म की तरफ से आह्वान था कि हम इस दिन को मनाएंगे। उससे पहले 30 जनवरी को हम लोगों ने कन्वेंशन किया था, उस कन्वेंशन में एक प्रोग्राम तय किया था, उस प्रोग्राम के तहत सभी राज्यों के अंदर कन्वेंशन्स हुए, उसके बाद यात्राएं निकाली गई हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी मीटिंगें की गई हैं, पैम्फलेट्स बांटे गए हैं, अपनी मांगों को प्रचारित किया गया है। साइकिल जत्था, मोटरसाइकिल जत्था, जीप जत्था, इस तरीके से निकालते हुए हम लोगों ने 9 अगस्त को महापड़ाव का प्रोग्राम तय किया पूरे देश भर के लिए। तो इस वक्त आज के दिन ज़्यादातर राज्यों की राजधानियों में, जिला हेडक्वार्टर्स पे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसेस पे, बहुत सारी जगह मंडल और तहसील के लेवल पे इस किस्म के जमावड़े हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं पूरे देश भर के अंदर प्रतिरोध जताने के लिए कि जिस तरीके से देश के आज़ादी के आंदोलन को तीव्र करने के लिए नारा दिया गया था, सरकार को उखाड़ फेंका था 5 साल के बाद, उसी तरीके से आज की जो हुकूमत है जिस तरीके से आवाम को प्रताड़ित कर रही है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार छिन रहे हैं, कारखाने खुलने की बजाय बंद होने शुरू हो गए हैं, ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब लोगों का जीवन जीना दूभर है, खास करके युवाओं को बहुत परेशानी है, उस परिस्थिति के अंदर जब हमारे पब्लिक सेक्टर्स को बेचने का सरकार फैसले लेते चली जा रही है, तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमने 9 अगस्त चुना कि इस दिन हम लोग आगाज करेंगे बड़े आंदोलनों का। उससे पहले प्रिपरेशन किया, बड़े आंदोलनों का आगाज है, और आने वाले दिनों में उस आंदोलनों को तेज करते हुए हम लोग केवल ट्रेड यूनियंस ही नहीं, हम किसान मोर्चा के साथ भी बहुत सारे मुद्दों पे एक दूसरे को समर्थन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब से ये सरकार 10 साल से काबिज में है, पहले कहती तो थी कि भाई हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, देश के अंदर जो है काला धन वापस आ जाएगा, और देश के अंदर फ्री एजुकेशन हो जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो जाएंगे, बुढ़ापे का सारा पेंशन मिल जाएगी, मार्केट के अंदर महंगाई को हम 100 दिन में नीचे ले आएंगे। परंतु जैसे ही इन्होंने पावर में आए, और पावर में आने के बाद इन्होंने जो अपनी पॉलिसी का निर्धारण करना शुरू किया, वो जस्ट बिल्कुल बड़े बड़े पूंजीपति विदेशी कंपनियों के दबाव में काम शुरू कर दिया। और सबसे पहला अटैक इन्होंने किया कि जो हमारे लेबर लॉज, हमने देश की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय से मजदूर वर्ग ने संघर्ष करने के बाद और आज़ादी के बाद जो हमने प्राप्त किए थे, जिसमें हर मजदूर को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कोई ले पाएगा, और अगर लेगा तो उसको ओवरटाइम डबल देना पड़ेगा, और उसको नौकरी की सुरक्षा के लिए गारंटी देनी पड़ेगी, उसके अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, उसके काम के घंटे जो हैं वो निश्चित थे, ड्यूटी आवर्स के अंदर उसके ऊपर कोई चोट ना लगे ऐसा काम का व्यवस्था बनाने के लिए मालिक का मतलब ड्यूटी हो गई थी,
और अगर कोई चोट लग जाएगा कंपनसेशन मिलेगा, उसकी जगह पर उसके बच्चे या विधवा को नौकरी मिलेगी, रहने के लिए मकान अच्छा मिलेगा, और उनको महंगाई बढ़ेगी तो उसको हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा, महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, रात को काम लेंगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंस बढ़ेगा, और किसी को अगर निकालना पड़ेगा किसी काम के लिए तो बाकायदा उसको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा और उसको रीट्रेनिंग देकर दूसरी जगह पर ऑब्जर्व किया जाएगा। ये सारे 44 श्रम कानून जिसमें महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है, उनको चाइल्ड केयर लीव का प्रोविज़न है, ये सारे के सारे श्रम कानून इन्होंने बदल दिए। जगह जगह लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं, कहीं हम देखते हैं कि श्रम कोड ला करके किस तरीके से मजदूर के पास जो भी बचा कुछ अधिकार था, इस देश के संविधान ने जो भी अधिकार दिया था, श्रम कानून ने जो भी अधिकार दिया था, वो उनसे छीना जा रहा है। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की ये हालत है कि हम देखते हैं कि जितने भी मेहनतकश वर्ग हैं वो दिल्ली के जिन भी इलाकों में रहते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला करके उनकी दुकानें उनका घर तोड़ा जा रहा है। अभी हमने देखा नूह में भी सामने आए कि लोगों की दुकानें जला दी गई। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस मोदी सरकार के रिजीम में भारत के मजदूर वर्ग की हालत और ज़्यादा खराब हुई। मुख्य जो सवाल है, जो मजदूरों ने 150 सालों में बहुत कुर्बानी करके जो अपने लिए अधिकार हासिल किए वो वर्तमान सरकार लगातार विरोध के बावजूद भी छीन रही है। एक तरफ जो हमारे देश की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो कहती है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं, मगर उस 75 वर्ष के अंदर जो आज भी हम 75 साल बाद भी क्या बात कर रहे हैं वेतन के मसले पर कि न्यूनतम वेतन, हम जो है फेयर वेजेस की बात नहीं कर रहे, हम लिविंग वेज की बात नहीं कर रहे, हम मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं। और उस मिनिमम वेजेस का भी स्थिति क्या है, दिल्ली के अंदर 16,234 रुपये मिलना चाहिए मजदूरों को, मगर अधिकांश मजदूरों को 95% मजदूरों को यह न्यूनतम वेतन का भुगतान मालिक द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठेके पे भर्ती के लिए भी जो ठेकेदार हैं वो मोटी रकम वसूल रहे हैं दिल्ली के अंदर, और किए हुए काम का भुगतान नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर 7,000 से ज़्यादा एक्सल के तहत जो है मजदूर काम कर रहे हैं आउटसोर्स एजेंसी के तहत, कहीं पर 4 महीने, कहीं पर 5 महीने, कहीं पर 6-6 महीने, कहीं कहीं साल भर भी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं केजरीवाल सरकार के अंतर्गत। किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों चाहे वो भारत सरकार के हों, लगातार ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग बढ़ती चली जा रही है। परमानेंट भर्ती पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, और जहाँ रोजगार है भी उसका स्वरूप बदल रहा है, वो ठेकेदारी का रोजगार मिल रहा है, वो आउटसोर्स का रोजगार मिल रहा है, जिसमें कम वेतन मिलता है ज़्यादा शोषण होता है, जिसमें करप्शन है पूरी तरह से। ठेकेदार और अफसरान और राजनेता, इनका गठबंधन है जो इस ठेकेदारी को बढ़ावा दे रहा है और ये देश की जनता को लूट रहा है। कि 9 अगस्त को हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेज़ों को कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज 9 अगस्त के दिन हम ये कहते हैं ठेकेदारी भारत छोड़ो, निजीकरण भारत छोड़ो, ये लेबर कोड जो है ये भारत छोड़ो, और अगर ये नहीं होता है तो हम ये कहेंगे मोदी सरकार गद्दी छोड़ो।